भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड और तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके मुकाबले में पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक देश में अभी तक 5,500 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि वाहन पोर्टल के डेटा के मुताबिक देश में कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या 20.5 लाख से भी ज्यादा है। इन वाहनों में से 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पिछले साल ही बिक्री हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में 393 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर महज एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मौजूद है। ऐसे में भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफी कमजोर नजर आता है। अगर इसकी तुलना वैश्विक स्तर पर करें तो औसतन दुनिया भर में 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एक चार्जिंग स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं चीन में तो ये अनुपात और कम है, यानी वहां पर 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एक चार्जिंग स्टेशन मौजूद है। यानी भारत को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर काफी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। रिसर्च एजेंसी काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक देश में करीब 20.5 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी और इन्हें लगाने की रफ्तार 9 गुना तक बढ़ानी होगी। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा 774 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन कर्नाटक में है। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, वहां पर 660 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। दिल्ली में है 539 चार्जिंग स्टेशन, तमिलनाडु में है 442 चार्जिंग स्टेशन और उत्तर प्रदेश में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन महज 406 हैं, जबकि यूपी में देश के सबसे ज्यादा 4.55 यानी 4.55 लाख रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद हैं, यानी करीब 1,103 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन आपको देखने को मिलेगा यूपी के अंदर। जानकारों के मुताबिक देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ रही है, इसके मुकाबले पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की संख्या काफी कम है। अगर अच्छा पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खासतौर पर कारों की बिक्री में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन इसे करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य जरूर हो सकता है फिलहाल की स्थिति में। भारत में एक व्यापक तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए सरकार और बिजली कंपनियां भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। वहीं रियल एस्टेट डेवलपर्स, टेक्नोलॉजीज पार्क और कारोबारी ग्राहकों और निवासियों के लिए चार्जिंग समाधान उपलब्ध करा सकते हैं, तभी जाकर देश में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक अपनाया जा सकेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।